50 किसान जाएंगे और फिर 27 को 285 किसान जाएंगे। इस तरह से कुल 785 किसान जो है इस ज़िले से जाएंगे। उनके जाने के लिए जो है बस की व्यवस्था की गई है तथा उसमें कर्मचारियों को भी जो है उसमें अपने विभागीय कर्मचारियों को भी लगाया गया है ताकि उनको किसान भाइयों को जो है कोई असुविधा ना हो। और वहाँ पर ले जाने के बाद देखेंगे खाने की भी व्यवस्था वहाँ पर किसी कुंभ में जो है किया गया है। किसानों को क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? किसानों को सबसे बड़ी फायदा यह है कि जो हम खेती बाड़ी आज भी पूर्वांचल में जो है हम पुरानी परंपरागत विधियों से जो हम खेती कर रहे हैं जिसके कारण जो है हमारा उत्पादन बहुत कम मिल रहा है। लखनऊ में 3 दिवसीय कृषि कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कुंभ मेला किसानों के लिए काफ़ी अहम होगा। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है कि 785 किसानों का चयन हुआ है, उनको बसों द्वारा भेजा जाएगा, जो नई तकनीक और फसल में लागत को कैसे कम किया जाए वो जानेंगे। हरमेंद्र सिंह।